हे hey गाइस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक वर्क एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है अमार जीवन और इसे लिखा है रसुंदरी देवी ने रसुंदरी देवी जो है वो एक बंगाली राइटर हैं और हम बोल भी सकते हैं कि ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन है फर्स्ट वुमेन राइटर हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है और बंगाली की ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है इंडिया की भी ये फर्स्ट है और बंगाली में भी ये फर्स्ट ही हैं और इनका जो ये वर्क है अमार जीवन ये बंगाली में ही लिखा गया था ट्रांसलेशन है उसका मतलब है उसका नाम है मेरा जीवन रसुंदरी देवी जो है शी वॉज बॉर्न इन एटीन जीरो नाइन में वेस्ट बंगाल में ही और इन, इनकी जो स्कूलिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है इन्होंने मिशनरी वुमेन से ही पढ़ाई करी है इनके फादर की डेथ हो गई थी स्टार्टिंग में ही जब वो छोटी थी और इन्होंने घर पे ही थोड़े बहुत स्कूलों से या फिर जो घर पे स्टडी हुई है उनसे इन्होंने बंगला और जो पर्शियन थी वो लैंग्वेज सीखी थी एट द एज ऑफ़ ट्वेल्व इनकी शादी हो जाती है नीलमणि रॉय से और उसके बाद जो इनके इनकी लाइफ बता रखी है वो कैसी थी इनके ट्वेल्व चिल्ड्रन्स थे जिनमें से सेवन की डेथ हो जाती है और लास्ट में जो इनकी डेथ है वो हो जाती है एटीन नाइन्टी नाइन में तो जो इनका वर्क है अमार जीवन ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है या फिर इनका एक लैंडमार्क भी बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था इनका यही वर्क जो कि पब्लिश हुआ था एटीन सेवेंटी सिक्स में कि इन्हें लिखा गया था 1868 में और ये जो जब ये पब्लिश हुआ तो ये एक टाइम पे एकदम फेमस सा हो गया था क्योंकि इससे पहले कोई भी वीमेन के वर्क नहीं हुआ करते थे जैसे कि मैं बात करूँ पंडिता रमाबाई की तो वो भी इनके बाद में ही इनके वर्क पब्लिश हुए थे तो देखा जा सकता है कि जो रसुंदरी देवी है इनका जो वर्क था वो सबसे पहले पब्लिश हुआ था तो जो इनका वर्क है अमार जीवन ये फर्स्ट पार्ट था और जो सेकंड पार्ट है जब ये 88 इयर्स की थी इन्होंने सेकंड पार्ट तब लिखा था वो भी इनका ऑटोबायोग्राफी ही है और जो कि पब्लिश हुआ था इनकी डेथ के बाद मतलब कि 1906 में पब्लिश हुआ था जो तेंद्र नाथ टैगोर हैं उन्होंने लिखा है इनके बारे में कि ये कितना फेमस था या फिर इनके जो वंडरफुल इवेंट्स थे खूबसूरती से उन्होंने लिखा था तो जो जो तेंद्र नाथ टैगोर हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे उनके एल्डर ब्रदर थे उन्होंने बोला है उन्होंने लिखा है आई स्टार्ट रीडिंग अमार जीवन विद एन एक्साइटमेंट आई डिसाइडेड दैट आई वुड मार्क इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेंटेंस विद अ पेंसिल वैल रीडिंग आई रियलाइज दैट द होल बुक हैज बीन मार्क् विद अ पेंसिल हर लाइफ स्टाइल हर राइटिंग्स वॉज सो सिंपल ऑनेस्ट एंड पावरफुल दैट इट इज इम्पॉसिबल टू पुट डाउन द बुक विदाउट कम्पलीटिंग इट तो जब इन्होंने ये बोला कि इन्होंने सोचा था जब ये लिखेंगे उसे पढ़ेंगे तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को पेंसिल से मार्क करेंगे और लास्ट में उन्होंने फिनिश करने के बाद ये चीज़ नोटिस करी कि उन्होंने पूरी ही बुक है उसे मार्क कर दिया है क्योंकि उस हर एक लाइन जो है इंपॉर्टेंस रखती है तो इसमें सबसे पहले बात करी गई है कि जैसे कि ऑटोबायोग्राफी है तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है वो इंसान अपने बारे में खुद लिख रहा है तो इसमें जो रसुंदरी देवी है उन्होंने अपने बारे में लिखा है उनकी लाइफ के बारे में लिखा है उस टाइम पे जो एजुकेशन थी ऐसी नहीं थी कि वो सबको मिल जाती थी तो नाइनटीन सेंचुरी और अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी था जब तो जो अपर कास्ट हिंदू हुआ करते थे या फिर मुस्लिम हुआ करते थे कोई भी होता था सबकी जो लाइफ होती थी वो एक प्रिजनर की तरह होती थी उन्हें वेल के अंदर रहना पड़ता था वेल यहाँ पर, पर पर्दा जो पर्दा प्रथा थी उसके बारे में बात करी गई है कि हर एक वुमेन को उसके अंदर रहना पड़ता था किसी को भी ये राइट नहीं था कि वो एजुकेट हो अगर उस टाइम पे किसी के हाथ में कोई पेंसिल या फिर कोई किताब दिख जाती थी तो ये कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि एक अपशगुन है उसकी होने वाली आगे की लाइफ के लिए उसके हस्बैंड के लिए तो उस टाइम पे उन्हें कोई भी राइट्स नहीं थे कि वो कुछ भी पढ़ सके तो यहां पर जो रसुंदरी देवी है वो अपने अपने बारे में बताती है मेनली उन्होंने बात करी है कि उनके जो मैरिज का कंसेप्ट था जब वो ट्वेल्व ईयर्स की थी तब उनकी शादी हो गई थी तो यहाँ पर उन्होंने पहले अपने मैरिज के बारे में बताया है कि सबसे पहले जब उन्होंने अपनी शादी की खबर सुनी जब उन्होंने मैरिज की खबर सुनी तो एकदम से उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हुई उन्हें लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन सडनली उन्हें एक काइंड ऑफ फियर महसूस होने लग गया कि हाँ कुछ अजीब सा होने वाला है लेकिन सडनली वो फारी चीज़ें भी जो थी वो खत्म हो गई क्योंकि जैसे क्योंकि उस टाइम पर इनकी एज थी ट्वेल्व ईयर्स की तो ट्वेल्व ईयर्स के बच्चों को ज्यादा कुछ पता तो होता नहीं है तो जब वो ऑर्नामेंट्स से गहने वेडिंग सारी जो है म्यूजिक है प्रिपरेशन हो रही है डेकोरेशन इन सबके सामने जो उनका फियर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगने लग जाती हैं और नेक्स्ट डे वो बताती हैं क्योंकि अभी अपने ऑटोबायोग्राफी जब लिख रही थी तब इनकी एज ज्यादा थी सिक्सटी ईयर की थी और ये अपने चाइल्डहुड की बात कर रही हैं तो वो बताती हैं कि नेक्स्ट डे जब सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ हो गया तो पीपल जो थे वो यहां से जाने लगे लीविंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया और कुछ लोग यहीं पर रुके हुए थे उनमें से कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो कब जाएंगे अब जो रसुंदरी देवी है उन्हें लगा कि यहाँ पर गेस्ट की बात हो रही है कि जो गेस्ट है वो शायद आज ही चले जाए लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है क्योंकि जो लोग हैं जो उनकी मदर है वो सारे उनके आसपास बैठ जाते हैं कुछ उन्हें अपनी आर्म्स में लेते हैं कुछ रो रहे होते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है यहां पर गेस्ट की बात नहीं हो रही है बल्कि उनकी बात हो रही थी तो सडनली जो उनके ऊपर जो फियर होता है वो ओवर पावर कर लेता है तो जो उनकी मदर है वो बोलती है कि उन्हें फियर करने की जरूरत नहीं है डरने की जरूरत नहीं है गॉड विल बी विद हर तो यहाँ पर वो सोचती है कि ये शायद गॉड की मर्जी है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो उनकी हालत थी वो कैसी थी हालत थी वो थी वो जैसे कि अ गोड बी टू द ऑल्टर मतलब कि जो बलि का बकरा होता है उसे चबूतरे पर ले जाया जा रहा हो उनकी हालत बिल्कुल ही वैसी थी तो इस सेक्शन में उन्होंने अपनी मेनली मैरिज के बारे में कवर किया है आगे जो हमारा जीवन है उसमें और भी चीजें कवर हुई हैं जैसे कि वो बोलती है घूंघट के बारे में जो घूंघट प्रथा थी जो वेल थी जो पर्दा प्रथा थी उसके बारे में बताती हैं जो विमेन थी उन्हें भी उस टाइम पे ऐसे ही करना पड़ता था साथ ही साथ ये उनके साथ उस सोसाइटी की उस टाइम पीरियड की हर एक विमेन को कनेक्ट करती हैं उंगठट में ही काम करना पड़ता था जो, जो पर्दा होता था उसी में अपने किचन में काम करना होता था उनकी जो आवाज है वो इतनी लो होनी चाहिए थी उस टाइम पे वो इतने स्लोली बोले लेकिन जो मेल सर्वेंट है या फिर फैमिली के अदर मेल मेंबर्स हैं उन्हें उनकी आवाज़ सुनाई ना दे दैट मीन्स कि जो उनकी आवाज है उन्हें तो ऑलरेडी वो इम्प्रिजनमेंट में रखा ही जा रहा था लेकिन जो उनकी आवाज थी कहीं ना कहीं उनको भी केज में डाला जा रहा था इम्प्रिजनमेंट में डाला जा रहा था वो जो पर्दा था वो कहीं ना कहीं केज का काम करता है और जो उनका घर होता था वो उनके लिए केज का काम करता था और ऐसा बोला जाता है कि जो उस टाइम की जो की कंडीशन थी वो ऐसी थी जैसे कि जो बर्ड्स हैं उन्हें केज में डाल दिया जाए जो अमार जीवन है ये एक डॉक्यूमेंट की तरह से भी वर्क करता है जो मेनली बताता है पर्दा प्रथा के बारे में जो कि उस टाइम पे कल्चर हुआ करता था इंडिया का भी और बंगाल का भी यहाँ पर मेनली बंगाली की बात करी गई बंगाली कल्चर की बात करी गई है कि जो उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटेड थी पेट्राकल सोसाइटी थी जहाँ पर जो मेल होगा वो सुपीरियर होगा या फिर प्राइमरी सब्जेक्ट होगा और जो फीमेल है जो वमेन है वो सुपीरियर नहीं होंगी उनके अंडर में वर्क करेंगी और ये जो इनकी प्रथा थी ये जो पेट्राकल सोसाइटी थी वो इतनी ज़्यादा सेंचुरियों से चली आ रही थी कि जो वेमेन उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगती थी कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो ऐसी ही रहेगी और वो जो उनकी जेल थी जो उनके लिए उनकी चार चारदीवारी बंद कर दी गई थी वो उन्हें लगता था कि वो उन्हीं के लिए बनी हुई है या फिर राइटफुल ड्यूटी है उनसे वो बाहर नहीं निकल सकती हैं और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती थी यहाँ पर उन्होंने अपने एक इंसिडेंट के बारे में भी बताया है कि जो वुमेन्स थी उसे पढ़ने का राइट नहीं था उस टाइम पे या फिर अगर किसी वुमेन के हाथ में गर्ल के हाथ में अगर कोई पेज या फिर कोई बुक दिख जाती थी तो जो उस चीज के लिए गॉसिप करने लग जाती थी बातें बनाने लग जाती थी तो यहाँ पर जो रसुंदरी देवी है वो खुद को कहीं ना कहीं टारगेट करती हैं वो बोलती हैं क्योंकि जो उनके अंदर डिज़ायर थी एक कीन इंटरेस्ट था उनका स्टडी को लेके पढ़ाई को लेकर कि वो पढ़ना चाहती थी तो वो उस चीज़ को ब्लेम करती हैं कि उनके अंदर वो चीज़ें हैं ही क्यों जब वो सोसाइटी से अलाव नहीं करती है तो उनके अंदर भी वो डिज़ायर नहीं होनी चाहिए थी पढ़ने की तो यहाँ पर वो एक इंसिडेंट बताती हैं कि जब उनकी शादी हो जाती है उसके बाद वो अपने हस्बैंड की एक रिलीजियस बुक में से एक पेज को फाड़ लेती हैं और अपने जो उनका सन होता है जिस चीज़ में वो प्रैक्टिस किया करता था जहाँ पे वो अल्फ़ाबेट सीखा करता था उस चीज़ को चुरा लेती हैं और चुरा कर अपने किचन में ही रख लेती हैं जब लोगों की आवाज़ आती है तो वो उसे कहीं बर्तनों के नीचे या फिर स्टोव के नीचे छुपा देती थी और अकेले टाइम पे वो उस पेज को जो कि उन्होंने अपने हस्बैंड के बुक से फाड़ा था और वो दूसरी चीज़ जो लीफ था जो उन्होंने अपने सन की कॉपी में से लिया था वो दोनों में ही अल्फ़ाबेट को मैच करती थी और देखती थी कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है और ऐसे ही उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा पढ़ना सीख लिया था तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो उनकी कंडीशन है कैसी है उन्हें पढ़ने के लिए सन था वो हॉर्स राइडिंग सीख रहा था तो उस टाइम पे जब वो हॉर्स राइडिंग सीख रहा था तो एक कोर्टयार्ड था जो ब्रांडा टाइप में होता है वहां पर उसकी हॉर्स की जो राइडिंग थी वो रखी गई और वहां पर रखी गई ताकि जो लोग हैं उसे देख सके और जो जो थी वो भी देख सके। यहाँ पर मिली उनके उन्हीं के लिए रखा गया था रसुंदरी देवी थी उन्हीं के लिए और उस घोड़े का नाम जो हॉर्स था उसका नाम जयहरी था जो उन्हीं के घर का था वो वहां पर लाया गया था ताकि जब उनका सन उस पर राइड करे वो तो वो देख सके लेकिन सडनली उन्होंने सुना यहाँ पर रसुंदरी देवी की बात हो रही है उन्होंने सुना कि कोई बात कर रहा था कि दैट हॉर्स वॉज द हॉर्स ऑफ माई हजब माई मतलब कि यहाँ पर बात हुई है रसुंदरी देवी की कि वो जो घोड़ा है वो उसके पति का है और सडनली जो रसुंदरी देवी की जो कंडीशन थी वो सडनली से ही ऐसी हो जाती है कि वो छुप जाती है यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर उनका घोड़ा उनके हस्बैंड से बिलोंग करने वाला उनका जो घोड़ा है वो भी अगर उस फीमेल को मतलब कि रसुंदरी देवी को देख लेगा तो वो भी एक शेमफुल चीज हो जाएगी और वो घर में जाके छुप जाती है तो ये जो इंसिडेंट है ये मेनली दिखाता है पोर्ट्रेट करता है डिपिक्ट करता है उस टाइम पे कंडीशन को कि कोई भी मेल गेज हो चाहे वो हस्बैंड हो या फिर जो मेल जो नौकर हुआ करते थे सर्वेंट हुआ करते थे वो उनकी आवाज़ ना सुने कोई भी ना सुने यहाँ तक कि जो हस्बैंड का घोड़ा है जो हॉर्स है वो भी उसे देखे नहीं ये बहुत शेमफुल चीज़ है तो वेल कस्टम था वो उनकी साइकोलॉजी में इस तरीके से मिक्स हो गया था रूटेड हो गया था कि उन्हें लगता था कि ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही हैं और वो वर्ल्ड को बिना उन चीज़ों के इमेजिन ही नहीं कर पाती है और जो अमार जीवन है वो बहुत तरीके से हेल्प करता है ये समझने के लिए कि जो सोसाइटी थी वो कैसे वर्क करती थी किस तरीके के रूल्स से वो पढ़ नहीं सकती थी और इन्हीं सभी चीजों से जैसे कि पर्दा प्रथा उन्होंने आगे से लगा दी केज लगा दिया और कहीं ना कहीं एक टूल हुआ करता था सोसाइटी का ताकि जो वेमेंस उन्हें एक्सक्लूड किया जा सके सोसाइटी से सोसाइटी से उन्हें निकालने का सबसे बेटर तरीका था उन्हें पर्दा प्रथा में मजबूर करना उसी में रहने के लिए फोर्स करना और यहाँ पर जो माल जीवन है वो मेनली ख़त्म हो जाती है सुंदरी देवी की जो स्टोरी है ये वन एंड हाफ सेंचुरी ओल्ड है लेकिन जो उसके सरकम चांसेस है अब चेंज हो चुके हैं मिल चुके हैं वो एजुकेशन ले रही हैं लेकिन हमेशा से ही ऐसा नहीं था तो जो इनके सेक्रीफाइसेस हैं जो इनके एक्शन हैं एक स्ट्रॉन्ग uh, वुमेन की तरह जो काम किया है जो उन्होंने लाइन बिछाई है आगे की जनरेशन के लिए उसे नहीं भूलना चाहिए एंड यहाँ पर ये जो, जो है जो वर्क है ऑटोबायोग्राफी है ये खत्म हो जाती है आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू